الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على بين الماء سراج السالكين شمس العارفين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الروح الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عقیدت و محبت کے ساتھ الفت و وصیت کے ساتھ اپنے آقا سارے جہان کے داتا رحمت للعالمین طہٰ و یاسین گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ پر انوار میں ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش فرمائیں پڑھیں باواز بلند اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والیہ و بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بلند ہو گیا مٹی کا کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی رشتہ رسول پاک سے رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر یہ ایک ایسا رشتہ ہے رسول ہاشمی سے رشتہ جس نے کیا محبت جس نے کر لیا تو جہاں جا کر کے سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں وہیں سے مصطفیٰ کا آغاز ہے
अभी तक आप तमामी हजरात एक बादिगरे नातो मनकबत वाज़े हसना और खूबसूरत निजामत व निकाबा के इन गुलदस्तों के साए में नाते मुस्तफ़ा मनकबते औलिया वाज़े हसना के बागो बहार में आपकी सांसें मुअत्तर हो रही हैं, आपके दिल के अंदर एक कैफियत जैसी जिस कैफियत के बारे में यूं कहा जाता है कि जन्नत की क्यारियों में बैठने के बाद जो कैफियत महसूस होती है उस कैफियत को महसूस करने की जगह यही है। और दूसरी कोई जगह नहीं है जहां से जन्नत की बागो बहार का नजारा किया करे, जन्नत की क्यारियों का मजा लिया करे। अगर कोई ऐसा चाहता है उसके लिए वो यही वो जगह है। बहरहाल आज हम और आप जिस महफिल में तशरीफ फरमा है आली जनाब सहदुल साहब की अहलिया मोहतरमा और आली जनाब मुबारक साहब और उनके बिरादरान की मां इस दुनिया से चली गई, उसके एसालो सबाब की गर्जो गायत से ये महफिल ले पाक रचाई बसाई सजाई गई है। जिसमें हमारी और आपकी शिरकत है। रब्बे कदीर की बारगाह मुअम्मर मुतहर मुनव्वर में अदब व एहतराम के साथ दुआ की जाती है। मौलाए कदीर इस महफिल पाक के सदके में उस मरहुमा की मगफरत फरमा और मैं एक बार नाम तो पढ़ा ही जा रहा अभी तक, अभी से शुरू से नाम ही पढ़ा जा रहा है। उसके बावजूद भी अच्छा बांग्ला भी सुनना चाहते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। सुनने के मिजाज में हैं, उधर कैसा आपका पोजीशन है? उधर जहां तैयार हो जाएगा तो फिर इधर कोई मानने वाला नहीं है, उनको पता है। इशारतन कुछ समझ लेता हूं, कुछ ऐसी बातें हुई जो इशारे में समझा जा सकता है। तो बहरहाल अभी उधर लेट है, तब तक इधर आप भेंट कीजिए ठीक है। और हदीसे पाक है कि जो भी इंसान पेट के दर्द में इंतकाल हो जाता है, तवज्जो, जो भी इंसान पेट के दर्द में इंतकाल हो जाता है, दर्द शिकम में वो इस दुनिया को छोड़ देता है, अल्लाह के मुकद्दस नबी फरमाते हैं कि वो शहीदों में उसकी गिनती होती है। और बहुत सारे लोगों के ज़हनों फिक्र में ये बात होती है कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में रह करके बड़ी मुसीबतों में रह करके जिंदगी गुजारता है, उसके बाद उसकी मौत होती है। उसके बारे में आपको तफ्तीश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अचानक अगर किसी की मौत आ जाए, अचानक अगर किसी की मौत आ जाए
तो उसमें किसी तरह की शक की गुंजाइश है, वरना हमारा और आपका कोई हक ही नहीं है कि किसी मरहूम या मरहूमा के बारे में हम और आप सोच सकते हैं। लेकिन कई मुद्दतों से कई दिनों तक उनकी जो है उनके सिकम में दर्द की वजह से जो है अपने सांस को रब की बारगाह से वो सांस चलती रही और आती रही और जाती रही। इसका मतलब यही होता है कि अल्लाह तबारक व ताला उसके गुनाहों का कफारा इसी दुनिया में दे देता है ताकि आखिरत से वो बच जाए। और जिस रोज वो इंतकाल होती उससे एक रोज कबल में आया था, और आकर के जब जब आलम में कोई होता है तो अल्लाह के मुकद्दस नबी फरमाते हैं कि सूरह यासीन की तिलावत किया करो, अगर जिंदगी होगी तो अच्छा हो जाएगा, और अगर मौत होगी तो मौत हो ही जाएगा। बाद जगहों पे ये आता है कि घंटे दो घंटे के बाद उसकी मौत हो जाएगी अगर मौत है तो, या 24 घंटा उसका जो है असर रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल व अता से मैं गालिबन मगरिब के बाद उससे मुलाकात करके या जो भी पढ़ने का रहा पढ़ के गया, और दूसरे रोज 3:30-4 बजे वो इंतकाल हो गया। बारे अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व अता से अपने महबूबीन बंदे के सदके में उस मरहूमा को मगफरत फरमाए। मुताबिक जब कुछ लोगों की ख्वाहिश है और उधर भी वक्त है तो 2-3 शेर आप समाप्त फरमाइए। अभी आप तमाम हजरात एक खतीब साहब भी बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, वो कहां चले गए हैं कि नहीं? मेहमान थे, बहुत अच्छी आप सामने में आइए। अरे आप हजरात जो है उधर बैठे हुए अच्छा नहीं लगता है, आलिमों को आगे होना चाहिए और आलिमों को जो है एहतराम बहुत जरूरी है हमारे और आपके लिए। मैं एहतराम कर रहा हूँ कि मैं उन्हें आगे बुला रहा हूँ, इसका तकलीफ ना माने। ये एहतराम है कि आप आगे तशरीफ लाएं ताकि आप लोगों की मोहब्बतों की बरकत से हमारा सीना मामा होता रहे और हमारी जबान से हाँ सुने सुनाई सुना। हाँ, बंगाल के लोग आए हैं। अच्छा बारे हाल इंसान की तकलीफ कितनी चीजों से, इस देश वाले अभी कुछ ना बोल रहे। इंसान जो बना है कौन चीज से बना है? बजाहिर तो आप अभी देख रहे हैं हड्डी है, गोश्त है, पोस्त है, सब कुछ है, लेकिन इंसान की तखलीक कितनी चीजों से। अगर एक इंसान अपनी तखलीक के बारे में नहीं जानता हो बताइए कि कितनी कैसी बात है। इंसान की तखलीक कितनी चीजों से, यानी अल्लाह ने इंसान को बनाया तो कितनी चीजों से बनाया, कौन चीज से पता है? हम मिट्टी से तो बनाया और भी मिट्टी, खाली मिट्टी न, उसमें सीमेंट वीमेंट भी लगा, रड वुड लगा या छड़ वुड लगा, मतलब क्या क्या अगर नहीं जानते हैं तो आज अपने ज़हन के अंदर मुकम्मल तरीके से महसूस करें। उलमाए कराम, इंसान की तखलीक अल्लाह ने चार चीजों से किया। आग, पानी, हवा, मिट्टी। आग, पानी, हवा, मिट्टी, ये चार चीजों से पैदा किया।
अल्लाह तबारक। तब तो किसी ने कहा, लेकिन जब शेर कहने वाला जब कहता है तो उसमें जो है इल्मे बलागा और उसमें बहुत सारी चीजों को वो मद्देनजर रख करके कुछ चीजों को ले लेता है, कुछ चीजों से लोगों को इशारा करता है, कुछ चीजों से कुछ लोगों को इशारा करता है। तो मैं आज थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूंगा, घर हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। तो अभी आपके रूबरू जितने भी लोग आए, सारे लोगों ने अपनी अपनी मोहब्बतों का गुलदस्ता आपके सामने में पेश किया, और ये मोहब्बत का गुलदस्ता का एक एक लफ्ज़, एक कलाम, इसमें से एक आदमी का आना और इन उलमाए किराम के एक पढ़ने वाले का एक अशआर बारगाहे रिसालत में मकबूल हो जाना मरहुमा की मगफरत की दलील। मगफरत का यही सबसे बड़ा जरिया है और बहुत बड़ी दलील हो जाएगी। इसलिए कि नाते मुस्तफा कोई आसान काम नहीं है, पढ़ना भी और लिखना भी कोई आसान नहीं है। जो कभी नहीं पढ़ता है और जो कभी नहीं बोलता है, उसको माइक पर खड़ा कर दीजिए तो उसका पांव सही से खड़ा नहीं रहेगा जी। वरना जो जो इसमें आने की कोशिश किए शुरू में, उसका क्या हाल है सारे लोगों का, ऐसा भी नहीं है। तो अभी सारे लोग आए और सारे लोगों ने सबसे पहले दरूद पाक पढ़वाया, दरूद पाक पढ़ने का हुक्म दिया। खतीब आते हैं, दुरूद पढ़वाते हैं, मुकर्रर आते हैं, दुरूद पढ़वाते हैं, मुहद्दिस आते हैं, दुरूद पढ़वाते हैं, नात खां आते हैं, दुरूद पढ़वाते हैं, शायर आते हैं, दुरूद पढ़वाते हैं, मशहूर आते हैं, दुरूद पढ़वाते हैं, वली आते हैं, दुरूद पढ़वाते हैं, गौस आते हैं, दुरूद पढ़वाते हैं, कुतुब आते हैं, दुरूद पढ़वाते हैं, अब्दाल आते हैं, दुरूद पढ़वाते हैं। दुरूद ही एक ऐसी चीज है, दुरूद ही एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई मोहब्बत से, उल्फत से, रगबत से अपनी आंखों में मेरे और मेरे नवासों की मोहब्बत को सजा करके मेरे ऊपर कोई दुरूद पढ़ता है तो मैं उसे भी पहचानता हूँ और उसके बाप को भी। और रसूल पाक का पहचानने का मतलब ये हो गया कि आप आखरत से, आखरत के तमाम परेशानियों से दरकिनार और जन्नत का मकाम आपके लिए साफ हो गया, ये पहचान है। तो दरूद पाक अभी सारे मैं और भी महफिलों में ये शेर पढ़ता हूँ दरूद पाक के ताल्लुक से। ये जफर जलालपुरी का शेर है और अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़र जलालपुरी बहुत अच्छे शायर थे, नौजवान शायर थे, उनको जलालपुर के रहने वाले थे। नदाए उसी के बगल में उनका घर था और उस मदरसे में कुछ दिन रहने का मौका मिला है, उनसे मुलाकात की है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे शायर, अच्छी लगन में पढ़ते थे, मोहब्बत से खुल करके पढ़ते थे। तो मैं पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। के मैं दूध मुस्तफा जो ये दिल सजा
مسلسل انہیں پاس پا رہا ہوں اسی ذکر سے مسلسل اور دیوانہ کیا کہتا ہے آواز تو یہ مائک ایسا لگ رہا ہے کھینچ کر کے رکھ دے گا کہ مجھے کرتی سو نہ چھیڑو میری راہ گزر میں آ کرے کہ مجھے کرتی سو نہ چھیڑو کہ مجھے مزہ مل جائے گا ابھی آپ بلال حبشی کے تعلق سے آپ نے بڑی اچھی گفتگو سماعت فرمائی اور بلال حبشی کی عشق محبت ایسی تھی کہ کون ایسا ظلم اس کے اوپر ستم نہ ڈھایا گیا مگر وہ یہی کہتے رہے کہ جان لے لو جہان لے لو بدن کا آزا آزا کر ڈالو لیکن اگر زبان پر کسی کا نام ہوگا تو مصطفیٰ کا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند کرتا رہوں گا یہ سینہ چاک ہو جائے بدن میں رسیوں سے تم باندھ ڈالو کوڑے پر کوڑے برساؤ لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں میرے پیارے اگر کسی کے جسم کو چھلی کیا جائے اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو یہ عجیب و غریب بات ہے سینے پر پتھر رکھا جائے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہو میں عالم تصور کی دنیا میں آ کر کے بلال حبشی سے پوچھنے لگا اے میرے آقا اے میرے مولا اے حبش کے سردار اے عاشقوں کے سردار اے محبت کی حد کو پار کرنے والا آپ بتائیے آپ کے سینے میں پتھر رکھا جا رہا ہے آپ کے پیٹھ پر ترے لگائے جا رہے ہیں آپ کو رسیوں میں باندھ کر کے گھسیٹا جا رہا ہے مگر ہونٹوں پہ مسکراہٹ کیسی تو عالم میں تصور نے جواب دیا اے عاشقوں پوچھنے والے سنو یہ حق ہے کہ میرے سینے پہ پتھر رکھا جا رہا ہے میرے پیٹھ پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں لیکن کوڑے ایک طرف ہیں لیکن میری آنکھوں کے سامنے میں مصطفیٰ کا جلوہ ہے درد محسوس نہیں مصطفیٰ کا جلوہ ہے جو درد محسوس نہیں ہوتی ہے اور مصطفیٰ کے جلوے میں وہ درد تو اپنی جگہ پر ہے لیکن کہیں پہ بازو بھی کٹ گیا ہے تو درد نہیں ہوا
छह माह के बच्चे ने भी अपनी गर्दन को पेश कर दिया मुस्कुरा कर। कड़ियल जवान की जवानी, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि लूट गई, लूटा तो यजीद है, अगर बचा है तो मेरा हुसैन है। अब जो है बातें आती जा रही है और बहुत सारी नाहियों से गुजरना पड़ रहा है। दो से तीन शेर बंगला में आप सुनाते हैं जी, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। के बड़ी बाड़े घोरों